भाजपा नेता के बयान पर बवाल। भाजपा नेता सैयद इमरान ने पार्टी से की कार्रवाई की मांग। गया शहर के करीमगंज मोहल्ले में रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं, हमें डर लगता है कि न जाने कब 6 इंच छोटा कर दिया जाए। भाजपा नेता मुकेश शर्मा के इस बयान के बाद शहर में बवाल मच गया है। करीमगंज मोहल्ले के लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि करीमगंज मोहल्ला के लोगों ने न सिर्फ गया बल्कि पूरे देश को सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया है। यहाँ की वार्ड पार्षद अबरार अहमद उर्फ भोला मियां अपना इस्तीफा देकर यहां से पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। यहां के मुस्लिम मतदाताओं ने मोहन श्रीवास्तव को जिताकर एक मिसाल कायम किया है। वहीं भाजपा नेता सैयद इमरान नबी ने भी मुकेश शर्मा के बयान की निंदा की है तथा पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। सैयद इमरान नबी भाजपा पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को इस तरह का बयान देना कहीं से भी सही नहीं, इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से अपनी बातों को रखने का कार्य करते हैं, लेकिन मुकेश शर्मा ने जो बयान दिया है उसे लेकर हम पार्टी से मांग करेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दरअसल गया में इन दिनों पक्ष विपक्ष के बयानों का दौर चल रहा है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री और नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के लोग हैं तो दूसरी ओर नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं। शुरुआत डॉक्टर प्रेम कुमार के एक भाषण से होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा था कि दुर्भाग्य से नगर निगम में गलत लोग जीत कर आ गए हैं। मंत्री के इस बयान के बाद नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित शहर के अधिकांश पार्षद गण शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी मेयर ने कह दी कि विधायक मिल गया तो लहरा देंगे। डिप्टी मेयर के इस बयान के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार के लोगों द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां पर भाजपा नेता मुकेश शर्मा के द्वारा करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसे होने का आरोप लगाया गया। इनके आरोप के बाद एक बार फिर से बयानों का दौर शुरू हो चुका है, जबकि जनता के हितों से जुड़े मुद्दे गौण होते दिख रहे हैं। प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर नेता मुकेश जी के द्वारा बयान दिया गया है कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, आप भी बीजेपी से क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है करीमगंज के बारे में या करीमगंज के लोगों के बारे में कि करीमगंज में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, मैं इनकी बातों का सरासर खंडन करता हूँ। मुकेश सिंह ने जिस तरह से बात रखा है कि हाँ करीमगंज मोहल्ले में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, इनके पास ऐसा कोई तथ्य आज तक न था और न कभी होगा, क्योंकि करीमगंज ही एक ऐसा मोहल्ला है गया शहर का जो हमेशा आपसी भाईचारे का सौगात हमेशा बनाए रखने का काम करता है। और वहाँ के लोगों को आपने देखा है भी, पिछले बार अभी जो चुनाव हुआ था वार्ड काउंसलर का, जिस तरह से चुनाव हुआ था वहाँ से एक अलग तरह का मैसेज देने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। देखिए, राजनीति लड़ाई अलग मुद्दा है, लेकिन व्यक्तिगत जो इंसान का अपना जो भाईचारा और अपना जो एक आपसी सौगात है इसको बिगाड़ने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है ये हरगिज यानी काबिले तारीफ नहीं है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को, खास करके मुकेश सिंह जैसे लोगों को, इतने पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के बावजूद जिस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, खास करके किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है, किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट करके इस तरह का अपशब्द बोलना, ये बिल्कुल कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो समाज में रहकर समाज को बांटने का काम करें, ऐसे लोगों से हमेशा इंसान को दूरी बना के रखना चाहिए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद भाजपा का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, और मैं इस हैसियत से कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपस में भाईचारा को बांटने का काम करें। उनका क्या आपसी मतभेद है किसी व्यक्ति से वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन उसके अलावा वो किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करें, उसके चरित्र को टारगेट करें, किसी धर्म को टारगेट करके इस तरह से बातों का रखना ये कहीं कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मुकेश सिंह जी को इस चीज़ चाहिए था कि वो सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, उनको सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।